हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। चैप्टर नंबर 31 है ये, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा सा इंट्रो में आपको बता देती हूँ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। तो जो स्टेट ज्यूडिशरी है उसके अंडर जो है हाई कोर्ट आते हैं, एंड देन हमारे पास हायरार्की में ही सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं जिनको हम लोअर कोर्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को क्या बोलते हैं तो लोअर कोर्ट्स भी बोलते हैं। एंड जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स होती हैं इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ देयर सबऑर्डिनेशन टू द स्टेट हाई कोर्ट, क्योंकि ये हाई कोर्ट के नीचे जो है वो काम करती है। ठीक है, एंड जो इनके फंक्शंस होते हैं वो अभी हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इनकी पावर्स वगैरह, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये सभी अब हम देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल जो है आपका 233 से लेके 237 तक, ठीक है, जो कि आपका पार्ट सिक्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं कि कैसे रेगुलेट करना है इस ऑर्गेनाइजेशन को, मींस सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट्स को, एंड इंश्योर करना है कि इनकी इंडिपेंडेंस कैसे करनी है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट हमारे पास है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। ये इसके मतलब नीचे ही हम पॉइंटर्स देखते जाएंगे। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो अपॉइंटमेंट पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट हो गई, पोस्टिंग हो गई, प्रमोशन हो गई ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द स्टेट, कौन करता है? गवर्नर। गवर्नर के द्वारा की जाती है, किसके साथ कंसर्न करके? हाई कोर्ट के साथ कंसर्न करके। ठीक है, अ पर्सन जो है जो अपॉइंट होगा डिस्ट्रिक्ट जज, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? पहला कि वो ऑलरेडी सर्विस में नहीं होना चाहिए किसी सेंटर और स्टेट की। ठीक है, दूसरा है कि वो एडवोकेट हो। ठीक है, उसको एडवोकेट होना पड़ेगा और अ प्लीडर होना पड़ेगा 7 साल के लिए। ठीक है, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। थर्ड है, ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि गवर्नर अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ, तो हाई कोर्ट जिसको रिकमेंड करेगा वो भी इसकी एक क्वालिफिकेशन में आएगा। ठीक है, तो वो एडवोकेट होना चाहिए 7 साल के लिए और किसी भी सर्विस के अंडर सेंटर सेट में काम नहीं करता होना चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस। अब हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस। तो ये जो पर्सन्स होते हैं अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जजेस में बात आते हैं। ठीक है, टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर, सेम वही जो डिस्ट्रिक्ट जज को करता है वैसे ही अदर जजेस में भी जो है वो गवर्नर ही अपॉइंट करेगा आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस हाई कोर्ट। मतलब इसमें जो है, मतलब अदर जजेस की अपॉइंटमेंट की जब बात आएगी तब उसको SPSC एंड HC की कंसल्टेशन के साथ गवर्नर को जो है वो अपॉइंट करना होगा। गवर्नर जो है उनको अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या आ जाएगा? जो कंट्रोल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर एंड द अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर, जैसे कि होगी पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव ऑफ द पर्सन बिलोंगिंग टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट होल्डिंग एनी पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इज वेस्टेड इन द सुप्रीम, सॉरी हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर इन सब का जो है वो हाई कोर्ट के पास इनका कंट्रोल होगा, क्योंकि हम हायरार्की में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, देन हाई कोर्ट, देन नीचे आ जाती हैं आपके पास सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट्स का पूरा कंट्रोल किसके पास होगा? हाई कोर्ट का, जैसे हाई कोर्ट का पूरा कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इंटरप्रिटेशन की। तो इसमें क्या है, जो एक्सप्रेशन है डिस्ट्रिक्ट जज का इंक्लूड, इसमें कौन कौन से, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज में कौन कौन आता है? तो जज ऑफ सिविल सिटी कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, देन हमारे पास आ जाते हैं इसमें चीफ प्रिसाइडरी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रिसाइडरी मैजिस्ट्रेट, उसके बाद सेशन जजेस आ जाते हैं, उसके बाद इसमें एडिशनल सेशन जज आ जाते हैं एंड असिस्टेंट सेशन जज। तो ये सारे किसके अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं? डिस्ट्रिक्ट जजेस के अंदर ही आते हैं। और अगर हम बात करें जुडिशियल सर्विसेज की, जुडिशियल सर्विस मींस द सर्विस कंसिस्टिंग द एक्सक्लूसिवली ऑफ पर्सन इन टेंडेड टू फिल द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। तो वो किस में आ जाते हैं? जुडिशियल सर्विसेज में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ द अबव प्रोविजन टू सर्टेन मैजिस्ट्रेट्स। तो जो गवर्नर है वो डायरेक्ट करता है ये जो अभी हमने पढ़े हैं अबव मैंशन प्रोविजन रिलेटेड टू द पर्सन इन द स्टेट मैजिस्ट्रेट सर्विस वुड अप्लाई टू एनी क्लास एंड क्लासेज ऑफ द
मैजिस्ट्रेट इन द स्टेट, तो यहाँ पे ये गवर्नर जो है वो सारा डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड द ज्यूरिसडिक्शन की। तो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड ज्यूरिसडिक्शन एंड नोमेनक्लेचर होता है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का, वो लेट डाउन किया जाता है किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, ठीक है। हैंस दे डिफर स्लाइटली फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, मतलब अगर हरियाणा में कुछ और प्रोविजंस है तो यूपी में कुछ और होंगे, ऐसे कि ये स्टेट टू स्टेट वैरी करते हैं, ठीक है। ब्रॉडली अगर स्पीक करें तो थ्री टायर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं बिलो द हाई कोर्ट। तो अभी वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो हाई कोर्ट के अंदर हमारे पास जो आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जजिस कोर्ट, जिसमें हम एक तरफ सिविल की बात कर लेते हैं, दूसरी तरफ हम क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सिविल साइड में आ जाते हैं सबऑर्डिनेट जज कोर्ट एंड उसके नीचे मुंसिफ कोर्ट्स, ठीक है। और वहीं यहाँ क्रिमिनल के अंदर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड उसके नीचे आ जाती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो जो जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना, इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये वाले जो होते हैं ऊपर, ये हाईएस्ट इनकी अथॉरिटी होती है। ही पोसेसेस द ओरिजिनल एंड द एपिटेट ज्यूरिसडिक्शन इन बोथ द सिविल एंड द क्रिमिनल मैटर्स। इन अदर वर्ड्स देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वही जो है वो सेशन जज भी होता है। जब वो सिविल केसेस की बात करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा, जब वो क्रिमिनल केसेस की को डील करेगा तब वो सेशन जज कहलाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जजेस एक्सरसाइजेस बोथ द जुडिशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और इसके पास जो है सुपरवाइजरी पावर भी होती है ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। अपील अगेंस्ट हिज ऑर्डर एंड जजमेंट लाई टू द हाई कोर्ट। और जो सेशन जज होते हैं वो इम्पोज कर सकते हैं सेंटेंस लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, कैपिटल पनिशमेंट, मतलब जो सेशन जजेस होते हैं वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, मतलब उनके पास पावर होती है, और साथ ही साथ में कैपिटल पनिशमेंट जिसको डेथ सेंटेंस भी बोलते हैं, तो ये भी इनके पास पावर होती है। हाउएवर जो कैपिटल पनिशमेंट होती है जो इसके द्वारा सेशन जज के द्वारा दी जाती है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही मिलती है, ठीक है। कंफर्म हाई कोर्ट ही इसको करता है वेदर देयर इज अपील और नॉट। अपील अगर की गई है तब भी, नहीं की गई तब भी हाई कोर्ट के डिसीजन के साथ ही इसकी जो अगर सेशन जज ने दी है ये वाली मतलब पनिशमेंट, तो वो हाई कोर्ट से ही पास होके आएंगी। बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज द कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज ऑन द सिविल साइड की। अभी हमने देखा कि सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होती है इसमें, और उसके नीचे ये तो सिविल साइड में हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होती है किसके अंडर, क्रिमिनल वाले के अंडर, ठीक है। तो जो सब ऑर्डिनेट जज ये वाली की हम बात कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं अनलिमिटेड पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सिविल सूट। और जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ये क्रिमिनल केसेस के ऊपर बात करते हैं विच आर पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट। ये कब तक दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट, 7 साल तक, ठीक है। 7 ईयर की जेल ये पनिशमेंट के रूप में सुना सकते हैं। इसके नीचे अगर हम बात करें सिविल साइड में आ जाता है आपके पास मुंसिफ कोर्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, और क्रिमिनल साइड पे आ जाते हैं हमारे पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो मुंसिफ जो कोर्ट्स होती हैं वो प्रोसेसेस करती हैं लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन एंड डिसाइड द सिविल केसेस ऑफ द स्मॉल पेक्यूनरी स्टेट्स। वहीं पे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं ये क्रिमिनल केसेस को देखते हैं विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू द 3 ईयर्स। अभी हमने देखा कि जो चीफ वाले हैं वहाँ पे तो 7 ईयर्स की जेल मतलब इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, और जो सिंपल वाले हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट वो 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं। इन सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो सिटी सिविल कोर्ट होती है या फिर चीफ जजेस होते हैं ऑन द सिविल साइड एंड द कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, तो यहाँ पे भी जैसे सिविल होते हैं क्रिमिनल होते हैं, तो यहाँ पे जो होती है वो सिटी सिविल कोर्ट हो गई और क्रिमिनल वाली साइड पे आपके पास हो गई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होते हैं चीफ जजेस, ठीक है। सम ऑफ द स्टेट एंड प्रेजिडेंसी टाउन हैव एस्टेब्लिश द स्मॉल कोर्ट्स। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ स्टेट्स के अंदर प्रेजिडेंसीज के अंदर ना स्मॉल कोर्ट्स
कोर्ट्स भी होती हैं। ये जो कोर्ट्स हैं ये डिसाइड करती हैं सिविल केसेस को, ठीक है, ऑफ द स्मॉल वैल्यू इन द समरी मैनर। देयर डिसीजन आर फाइनल बट हाई कोर्ट प्रोसेस इज अ पावर ऑफ द रिविजन। मतलब इनके जो डिसीजन वो तो फाइनल होते हैं लेकिन हाई कोर्ट भी इनकी जो होती है फाइनल रिजल्ट उसको प्रोसेस कर सकते हैं हाई कोर्ट, मतलब उनको रिविजन की पावर है, ठीक है। कुछ स्टेट्स के अंदर जो होती है ना पंचायत कोर्ट्स भी होती हैं, पिटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस और वेरियसली नोन एज द, जैसे हमारे पास हो गए न्याय पंचायत, ठीक है, देन हमारे पास आ गए ग्राम कचरी, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गए अदालती पंचायत, नेक्स्ट पंचायत अदालत। तो ये सारी किसके अंडर, मतलब पंचायत कोर्ट्स के अंदर कंसीडर की जाती हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर था हमारा सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर, तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।